हमने 10 साल से जीआरडी हाइटा सानिया के प्रॉब्लम से जूझ रहा था। हम 7 बजे हमारा 7 जारी कंप्लीट हुआ, उसके 2-3 घंटा बाद ही हम खुद टॉयलेट किया, पानी पिया, मिल्क पिया। हमको 5 दिन पहले सर्जरी हुआ था, उसके बाद खाने पीने में नींद आने में कोई तकलीफ नहीं है। 9 महीने पहले हमारा सर्जरी हुआ था, उसके बाद आज तक हमको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ खा पी रहा है, कोई प्रॉब्लम हमारा नहीं है। আমি দীনবন্ধু বাগদি পশ্চিমবঙ্গ ওয়েস্ট বেঙ্গল সে আয়া হু। আমারা এজ উমর 35 হ্যায়। হামনে 10 সাল সে জিআরডি হাইটা সানিয়া কে প্রবলেম সে জুঝ রাহা থা। হামনে বহুত সারে ডাক্তার কা দেখায়া লেকিন ঠিক নাই হওয়া, ও মেডিসিন দেকে দাবায়া দেতা থা। লেকিন ইউটিউব মে হামনে সার্চ কিয়া জব জিআরডি কে বারে মে, एक डॉक्टर ने जीआरडी के सिम्टम देखा था हमारे प्रिस्क्रिप्शन में, तो हमने जीआरडी के बारे में सर्च किया यूट्यूब गूगल में, तो चिराग ठाकुर जी से हमको बारे में हमको जानकारी मिला है, इसलिए हम उनके साथ कांटेक्ट किया था नंबर लेके गूगल से। उसके बाद कल हम आया था 30 अगस्त 2021 में, डॉक्टर साहब से मिला, बहुत अच्छा डॉक्टर है सर, बहुत अच्छे से बात करते हैं पेशेंट के साथ। बात करने के बाद सर ने हमको मैनोमेट्री टेस्ट और पीएच 24 आवर टेस्ट के लिए बुलाया, तो हमने टेस्ट किया, मैनोमेट्री टेस्ट कल हुआ। आज कल से ही 24 आवर टेस्ट शुरू हुआ 11 बजे से, तो अभी चल रहे हैं। हमको इस टेस्ट में कोई परेशानी नहीं हुआ, खाने पीने में, निगलने में, पानी पीने में, चाय पीने में कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। एक बार वोमिटिंग हुआ था लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम बात कर रहे थे, हम भी यूट्यूब से देखा बहुत सारा पेशेंट का रिव्यूज़, वो बोल रहे थे जब टेस्ट के बाद कोई परेशानी नहीं होता है, तब भी हमको विश्वास नहीं होता था। लेकिन आज हमने किया, कुछ देर बाद हमारा पाइप निकाला जाएगा, तो हम बोल रहे हैं सबको ये टेस्ट करने में कोई खतरा कोई परेशानी नहीं होती है। चिराग सर बहुत अच्छा सा डॉक्टर है, हम उसकी कुछ देर बाद उसके साथ मिलेंगे, देखते हैं पीएच टेस्ट और मैनोमेट्री टेस्ट का क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद हम फिर से बताएंगे। मेरा नाम दीनबंधु बागदी, अभी वेस्ट बंगाल से आया हूँ। यूट्यूब पर वीडियो देखकर चिराग ठाकुर जी के बारे में जाना था, ये मैं पहले ही बताया था। मेरा पीएच स्टडी मैनोमेट्री स्टडी हुआ, उसका रिजल्ट आया तो सर ऑपरेट सर्जरी के लिए हमको सलाह दिया था। हमारा बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स हो रहा था, हाइटा सानिया भी था, तो सर ने कल मैंने 5 सितंबर 2021 को सुबह शाम 7 बजे हमारा सर्जरी कंप्लीट हुआ, उसके 2-3 घंटा बाद ही हम खुद टॉयलेट किया, पानी पिया, मिल्क पिया। हमने सुबह में नाश्ता लिया है, नाश्ता लेने में निकलने में कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम घूम फिर भी पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कुछ देर बाद हमको छुट्टी दे देंगे। नमस्कार, दीनबंधु बागदी, वॉइस पॉइंट एज 35 है। हमको 5 दिन पहले सर्जरी हुआ था, उसके बाद खाने पीने में नींद आने में कोई तकलीफ नहीं है, हमने घुमा फिरा खाया, अच्छा हूँ मैं अभी तक। हमारा जैसा प्रॉब्लम था सर्जरी के बाद उसी प्रॉब्लम अभी तक उतना नहीं हुआ है, सही से जा रहा है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने हमको बुखार रखने के बोला, नमस्कार, हम दीनबंधु बोल रहे हैं। हमने 9 महीने पहले चिराग ठाकुर के पास सर्जरी कराया था, आपने बहुत अच्छा हो, हमारा कोई तकलीफ नहीं है, हम रूटीन में भी काज काम सब कर लेता है, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने मिल्क फ्रूट्स खाने में डरता था, अब कुछ
हमको खाने में प्रॉब्लम नहीं करता, ये डर नहीं लगता है, जैसे रिफ्लेक्स हो जाएगा। पहले जो समस्या प्रॉब्लम थे वो हमारा सॉल्व हो गया, हम बहुत अच्छा है क्लब के लिए। फिर आया हो डॉक्टर चिरंजीवी के पास, सर बहुत अच्छा आदमी है, सर पेशेंट का साथ कभी छोड़ता नहीं है, बहुत अच्छा डॉक्टर। हमने बहुत सारे डॉक्टर दिखाया लेकिन चिराग ठाकुर के जैसा डॉक्टर हमने पहले कभी नहीं देखा, बहुत अच्छा डॉक्टर। आप लोग को हम बोलना चाहता है जिसको भी ये प्रॉब्लम है रिफ्लक्स का, एसिड का, हाइड्रोसार्निया और एलएस की, तो सर के पास आइए, दिखाइए और ठीक हो गए घर वापस।